अगर आपको एक्रूड इनकम समझ में आया पहला एग्जांपल, अब इसमें देखें एक जरा खतरनाक एग्जांपल जिसे हम इम्प्लाइड एडजस्टमेंट कहते हैं। इम्प्लाइड का मतलब भी बच्चे क्या होता है, कोई चीज जो हिडन हो, छिपी हुई हो। ये एक ऐसी एडजस्टमेंट है जो कि आपके सामने खुलकर नहीं आएगी, छिपी होगी। अगर देखिए खुलकर आ जाए तो बाहर आपको इस एडजस्टमेंट को वो दे दे, लेकिन ये छिपेगी कहाँ, ट्रायल बैलेंस में। ध्यान से देखिए, बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। इसका नाम ही है इम्प्लाइड, मतलब छिपी हुई एडजस्टमेंट। हमें ट्रायल बैलेंस में 12% लोन गिवन है 1,00,000 और इंटरेस्ट ऑन 12% लोन गिवन है 11,000। देखिए अगर आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर कोई भी आइटम परसेंटेजेस के साथ देखने को मिले तो वो एक इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की निशानी है। तीन चीजों से पहचान होती है इम्प्लाइड एडजस्टमेंट की, कितनी, तीन। जल्दी से पीछे पीछे रिपीट कीजिएगा, पहला परसेंटेज, डेट या फिर ब्रैकेट में कोई भी इंफॉर्मेशन हो, तो ये हमारी पहचान होती है कि एडजस्टमेंट इज इम्प्लाइड, छिपी हुई है। आपको एडजस्टमेंट के अंदर नो इन्फॉर्मेशन गिवन है, मतलब ये गिवन ही नहीं होगा, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया, अब ये गिवन नहीं है, बस इतना सा गिवन है कि जी 12% लोन था। और लोन भी देखिए किस साइड है, डेबिट साइड है। इसका मतलब बेटे ये वाला जो लोन है ना, हमने किसी को दिया था, आप समझ रहे बात। भाई अगर क्रेडिट साइड होता तो ये लाइबिलिटी होता, हमने किसी से लोन लिया था। लेकिन मैं जब किसी को लोन दूंगा तो उससे मुझे पैसा मिलेगा, और कोई भी चीज जो फ्यूचर में मिलती है वो क्या होती है, एसेट। तो ये हमारे लिए एक एसेट है, 12% लोन, मतलब 1,00,000 रुपए हमने किसी को लोन दिया हुआ। तो और ये जो परसेंटेज है ये इसका सालाना ब्याज है, ध्यान से शब्द पकड़िएगा, सालाना, दिस इज पर एनम इंटरेस्ट, ये है एडजस्टमेंट। इसका मतलब ये एडजस्टमेंट क्या है, 1,00,000 रुपए का मैं किसी को लोन देता हूं, वो भी कितने, 12% पर एनम रेट के साथ। 12% पर एनम 1,00,000 का, 1 साल का 12,000 रुपए का इंटरेस्ट होता है। और मुझे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना दिखाया गया है, 11,000। तो बताइए कितना इंटरेस्ट ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, 1,000 रुपए। 1,000 रुपए इज एक्रूड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में दो चीजें बाकी है, एडजस्टिंग एंट्री और फाइनल अमाउंट, ठीक है। चलिए करते हैं पहले एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री इसके लिए बनेगी एक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। कितना इंटरेस्ट बनता है, 12,000, 11,000 पहले ही रिकॉर्डेड है। अब मुझे डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में रिकॉर्ड करना होगा 1,000, और ये पैसा मुझे अभी मिला नहीं है। इसकी नरेशन हम क्या लिखेंगे, बी इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट रिसीव। ओके, ये होती है एडजस्टिंग एंट्री एक्रूड इनकम के लिए। एक्रूड इनकम को डेबिट करा और उस कंसर्न इनकम को हमने क्रेडिट कर दिया। ये तो हो गया जी एडजस्टिंग एंट्री। क्वेश्चन की एक और डिमांड है कि आप फाइनल अकाउंट भी दिखाइए। तो मेरे बच्चों मुझे सोच समझ के बताओ, 12% लोन कहाँ आता है। 12% लोन क्योंकि डेबिट साइड में गिवन है तो ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगा, 12% लोन। और आप इसे इनर कॉलम में दिखाएंगे 1,00,000 रुपए, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है। अच्छा जी, और ये जो इंटरेस्ट ऑन 12% लोन है ये हमें क्रेडिट साइड में गिवन है। अगर क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट गिवन है तो इसका मतलब ये हमारे लिए इनकम है,
और इनकम आप कहाँ दिखाते हैं, पी एंड एल अकाउंट के क्रेडिट साइड, तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन 11,000 रुपए यहां आए इनर कॉलम में, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट इस साल की इनकम थी लेकिन हमें अभी रिसीव नहीं हुआ, तो बेटे जी ये यहां पे प्लस हो जाएगा, क्या लिखेंगे इसे, एक्रू इंटरेस्ट 1,000 रुपए और ये आएगा जी यहां 12,000, और इसके अलावा ये एक्रूड इंटरेस्ट क्योंकि आपको अभी मिला नहीं, फ्यूचर में मिलेगा, तो ये एसेट साइड आएगा, एसेट साइड आप इसे इस लोन में प्लस कर देंगे इस तरीके से कि जी अब हमने जिसको लोन दिया है ना उससे हम सिर्फ 1,00,000 नहीं, 1,00,000 के साथ साथ इसका इंटरेस्ट भी हमें उससे लेना है, उससे कुल मिला के हमें कितने रुपए लेने हैं, 1,01,000, 1,01,000। हालांकि आप अगर चाहते तो 12% लोन को आउटर कॉलम में अलग दिखा देते और एक्रूड इंटरेस्ट को एसेट साइड में अलग दिखा देते, मतलब यहां बैलेंस शीट में आपके पास ये फ्लेक्सिबिलिटी थी कि इसमें प्लस करना चाहे तो प्लस कर दीजिए और अदरवाइज आप क्या करेंगे, अलग अलग भी दिखा देंगे तो भी वो करेक्ट होगा। ये होती है इंप्लाइड एडजस्टमेंट। आपने देखा एडजस्टमेंट खुल के सामने नहीं आई थी, छिपी हुई थी, इस तरह की एडजस्टमेंट का ही नाम होता है इंप्लाइड एडजस्टमेंट। आई होप कि अब आपको एक्रूड इनकम बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी चीज जो आपको समझनी थी इंप्लाइड एडजस्टमेंट वो भी आपको क्लियर हो गई होगी।